नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ PTT MDCU 2018 से संबंधित, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उसी के लिए ये आवश्यक सूचना है। जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिले उनके लिए सबसे ये आवश्यक निर्देश है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई थी वो उन्हें रिटर्न कैसे मिलेगा और कितने रुपए मिलेगा, और जो इसमें कटौती होगी वो किस चीज़ की कटौती होगी और पैसे कब तक आ जाएंगे, तो इसके बारे में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल शिक्षा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लें PTA संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। अब आपको मैं वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो आज से 10-15 दिन पहले जारी किया गया था। ये वो जो नोटिस जारी किया गया वो है ये नोटिस PTET 4 SCA इंटीग्रेट प्री BEd BEd BSc BEd 2018 काउंसलिंग हेतु सूचना महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ये जारी किया गया है। इसकी जो डेट है वह 19/7/2018। इसका जो ये नोटिस है वो आप इसकी वेबसाइट PTT MDCU 2018 पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें विशेष बात बता देता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग करवा दी थी, रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी और फर्स्ट काउंसिल में जिनका नंबर आ गया था लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, उनके जो 5,000 रुपये है वो उनको कैसे प्राप्त होंगे, कब प्राप्त होंगे, उसके बारे में आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये आप देखिए, अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि ₹5,000 राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क राशि में समायोजित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि ₹5,000 में से ₹600 काटकर ₹6,444 दे दी जाएगी और ₹6,422 जो अभ्यर्थी ने प्रवेश हेतु जमा करवाई उसी अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत लौटा दी जाएगी, ये जल्दी आपको लौटा दी जाएगी। तो इसमें जो आपको लगभग 1-2 दिन में ये लौटा दी जाएगी, और ये कहाँ लौटा दी जाएगी, ये जिस समय आपने ये राशि जमा करवाई थी और जो अकाउंट नंबर दिए थे वहाँ आपकी ये राशि आ जाएगी, या तो भाई चेक के द्वारा आपके जो परमानेंट एड्रेस है उस पर आ जाएगी, या जो अकाउंट नंबर दिया था उसके अंदर डायरेक्ट आ जाएगी और आपके पास यूनिवर्सिटी से उसके लिए कॉल भी संभावित स्थिति में आ जाएगा। यदि आपका अकाउंट नंबर यदि समझो उसमें सूचना गलत दी गई है तो उसको आप संशोधन करवा सकते हो। तो ये इसमें जो ₹600 काट लिए जाएंगे वो किस बात के काट लिए जाएंगे, इसमें ये एक दूसरा भी नोटिस दिया गया, यदि किसी अभ्यर्थी को सीटों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से प्रवेश महाविद्यालय आवंटित नहीं होता तो उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि ₹5,000 में से 200 अन्य व्यय के काटकर शेष राशि ₹4,800 प्रवेश प्रक्रिया के बाद समाप्त होने के बाद वापस लौटा दी जाएगी। ये विशेष बात है कि एक जगह दिया हुआ कि ₹600 काट लिए जाएंगे, एक जगह दिया कि ₹200 काट लिए, ये ₹600 किन विद्यार्थियों के काटे जाएंगे और ये जो ₹200 है वो किन अभ्यर्थियों के काटे जाएंगे, इसके बारे में आपको पूरा जो जानकारी है वो दे देता हूँ कि जो अभ्यर्थी है जिनका फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग नंबर आ गया था, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, उनका तो ₹600 कटेगा और जो इसमें और उनको मिलेगा ₹4,400 वापस मिलेगा, और जिन अभ्यर्थियों का ₹5,000 जमा कराए थे और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया तो उनको वो ₹200 काट के ₹5,000 दिए जाएंगे। वो किस चीज़ के काटे जाएंगे, जो उसके जो कॉलेज के अंदर उनका वे हुआ वो राशि काट के ₹4,800 उसको लौटा दी जाएगी। पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु पात्र नहीं होते हुए भी पात्र संबंधित गलत सूचना के आधार पर काउंसलिंग भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के
रूप में जमा संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि आपकी सूचना गलत दी गई है तो आपकी राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। तो अभ्यर्थी ध्यान दें कि सफल अभ्यर्थियों की निर्धारित तिथि तक रजिस्टर शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से अथवा अधिकृत ICICI बैंक की शाखाओं में शुल्क जमा नहीं करवाने या काउंसलिंग में भाग नहीं लेने की स्थिति में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो इसमें जो आपके रुपए है वो आपको लौटा दिए जाएंगे। यदि आपने 5000 रुपये जमा करवा दिए और 22000 रुपये जमा करवा दिए तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यदि आपने आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है और आपने राशि भी जमा करवा दी है और आपने एडमिशन भी ले लिया है और उसके बाद में आप BA नहीं करना चाहते तो आपको जो राशि है वो बिल्कुल भी नहीं लौटाई जाएगी। इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके बारे में हमें जो भी जानकारी होगी हम उसका तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबा लेना PTA संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।